नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कुलदीप होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल कुमार। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे या बार बार बीमार ना होए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से एंड तक देखें ताकि आपकी पूरी मदद हो पाए। अगर दोस्तों आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं या बार बार आपको कई बार जुकाम भी हो जाता है, इसका मतलब यही है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्लो है या आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इस केस में आपको ये मैं कुछ दवाइयाँ बताऊँगा, इसमें होम्योपैथिक आपकी बहुत हेल्प करेंगी और कुछ तरीके बताऊँगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर बार बार ऐसा हो रहा है, फीवर वगैरह आ रहा है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक रेगुलर रूटीन बनाएं। जैसे आप एक्सरसाइज करें रूटीन से, आप अच्छा खाना खाएं, आप हाइजीनिक फूड, हाथ धो के हमेशा खाना खाएं, आप विटामिन सी रिच फूड्स जैसे लेमन हो गया, आपके ऑरेंजेस हो गए, ग्रीन चिलीज हो गई, तो ज़रूर खाएं, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। इसके सिवाय आप मल्टी विटामिन खाएं रेगुलर तौर पे, और आप एक बॉडी वेट मेंटेन रखें। वेट अगर बढ़ता है या कम होता है तो भी गलत है, इसको एक मेंटेन रखना पड़ेगा उसको। पालक खाएं, आप कैरेट्स खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं, ताकि आपका मेंटेन पूरा फाइबर बना रहे बॉडी में। जब फाइबर कंटेंट बना रहेगा तो प्रोटीन भी बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अगर हम पूरा इम्यून सिस्टम अगर मैं समझाऊंगा आपको तो बहुत टफ रहेगा, इसलिए बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ आपको मैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, मैं आपको बताऊँगा कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसमें पहली दवाई आती है इचिनेशिया 1X। इचिनेशिया 1X की टैबलेट्स ले सकते हैं आप। इसकी 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर 2 रात को लेते रहें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये ब्लड को साफ भी करती हैं, इम्यून सिस्टम को, डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो एक रेगुलर तौर पे ही लेते रहें इसका, कम से कम 3-4 महीने तो कोर्स जरूर करें। इसकी दूसरी दवाई है अजादता इंडिका 1X। ये बेसिकली टैबलेट नीम से बनी होती हैं। जैसे आपको पता है नीम बहुत अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड साफ करता है, और भी कई स्किन के रोग रोकता है, बार बार खांसी जुकाम रोकता है, उस केस में ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। आप इसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर 2 रात को लेते रहें। उसके साथ में तीसरा होता है अल्फा अल्फा टॉनिक, जो कि एक होम्योपैथी में बहुत मल्टी विटामिन माना जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को साथ साथ में देते रहें, और स्पेशली बच्चों को देते रहें, बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। इसमें एक दवाई होती है ओसिमम, ओसिमम क्यू ले लें, इसका मदर टिंचर ले लें इसका, या इसकी गोलियाँ आती हैं, गोलियाँ भी ले सकते हैं। अगर आप क्यू लेते हैं 1 चम्मच पानी में 10 बूंद सुबह 10 शाम को लेते रहें। बेसिकली तुलसी से बनी होती हैं, जो कि इम्यून सिस्टम आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो ओसिमम बहुत हेल्प करेगा आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। इसके सिवाय एक आखिरी में आता है मदर नेचर एम्ब्लिका, एम्ब्लिका क्यू, इसके 1 चम्मच पानी में 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को लें। ये फुल ऑफ विटामिन सी रहता है, जो विटामिन सी वैसे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिकली आंवले से बना होता है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप कुछ भी खाएं या कुछ भी हो, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जल्दी जुकाम खांसी भी नहीं होगा। इसके सिवाय आप बड़ी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये आप कुछ टिप्स लें और डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। थैंक यू।